ये खड़ा हुआ दिख रहा है इसका, हम सबको सारी दुनिया को वीडियो में खड़ा हुआ दिख रहा होगा जी। जो लोग कुत्तों के खाते हैं ना, उनके कुत्ते उनसे इतना प्यार नहीं करते बेसिकली। जो डॉग लवर होगा वही डॉग बिजनेस कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। बिना डॉग लवर, जो डॉग को प्यार नहीं करेगा, वो कभी ये बिजनेस नहीं कर पाएगा। और कभी आप ये सोचो कि भाई बिना प्यार के आप इस बिजनेस से कुछ कमा पाओगे, तो आप ये बिजनेस ना ही करें, वो तो बहुत अच्छा होगा। नमस्कार दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के YouTube चैनल पर मैं पारस संधू आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मेरे एक भाई का कमेंट आया था हमारी पिछली वीडियो में कि मिस्टर पोस्ट चैनल पर जाओ और उनका भी एक चैनल टूर करके हमें दिखाओ, तो आज हम आ गए हैं इलो खेड़ी हरियाणा, मिस्टर पोस्ट चैनल। इसके ओनर हैं कुणाल भाई और सुरांश भाई, जो कि पिछले 15 साल से डॉग ब्रीडिंग बिजनेस कर रहे हैं। इनके पास बहुत अच्छे अच्छे डॉग्स हैं, इनके पास इम्पोर्ट डॉग्स भी हैं। और दोस्तों, ये फुल्ली एयर कंडीशन कैनल है, बहुत अच्छे से यहाँ पे डॉग्स की केयर टेक की जाती है। चलिए आपको कराते हैं इस कैनल का टूर और मिलाते हैं इस कैनल के ओनर से। भैया, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए और फिर अपने कैनल के बारे में हमें कुछ बताइए। हेलो गाइज, कुणाल चोपड़ा दिस साइड और ये सुरांश शुभ, मिस्टर पॉज के ओनर हैं हम दोनों। और आप लोग पहले भी कुछ वीडियोज हमारी ऑलरेडी देख चुके हैं, मिस्टर पॉज की कुछ हमारे डॉग्स देख चुके हैं। इसको तो आप लोग अच्छी तरह पहचानते ही होंगे, ये हमारा स्टार बॉय है, फ्लॉक रॉटवाइलर, डायरेक्ट इंपोर्ट, सर्बियन इंपोर्ट। मिस्टर बॉस की आप पहले भी कुछ अच्छे पप्स और कुछ अच्छी प्रोड्यूसिंग्स ऑलरेडी देख चुके, तो आज कुछ और आप लोगों को दिखाते हैं मिस्टर बॉस के बारे में, मिस्टर बॉस के कैनल टूर के बारे में। भैया, सबसे पहले तो आप ये बताइए, डॉग ब्रीडिंग बिजनेस आप कब से करा रहे हैं, मतलब ब्रीडिंग कब से कर रहे हैं? 15 साल ऑलरेडी हम लोगों को हो चुके हैं ब्रीडिंग करते हुए, बट लेकिन पहले ये चीज़ बहुत शौकिया तौर पे करी जाती थी जी। उसके बाद अब ये प्रोफेशनली पिछले 4 साल से हमारा, 5 साल से कैनल है। 2013-14 के अंदर भी डावर मैंने एक महीने शो किया था, पप्पी ऑफ द ईयर बना था वो, डिडोज हैनन के नाम से वो एक डॉग था। और 11-12 के अंदर भी मेरे दो डॉग इम्पोर्ट आए थे सैंड बर्नार्ड शॉर्ट कोट के अंदर, अगर उस टाइम की कोई वीडियोज हुई तो ज़रूर दिखेंगी लोगों को। और अब 4-5 साल से ही हमारा नया सेटअप है, जिस सेटअप को लोग देख रहे हैं और जेन्युइनली इसको पसंद भी कर रहे हैं लोग जी। तो ये जो आपका कैनल सेटअप है, बहुत अच्छा सेटअप है आपका, थोड़ा इसके बारे में बताइए, कब बनवाया था आपने और कितने एरिया में है, अराउंड कितना खर्चा इसमें आया था आपका? ये टोटल लैंड है ये तकरीबन 1 एकड़, और इसको बनाने में तकरीबन हमारे 8 से 9 महीने का टाइम टोटल लगा था। और पर कैनल, इसके अंदर जो पर डॉग कैनल है वो 9x6 का पर डॉग स्पेस है। और इसको बनाने का खर्चा टेंटेटिवली, कभी खर्चे का आइडिया ऐसे ना कभी आया नहीं, हाँ एक टेंटेटिव आइडिया है शायद 50 से 55 लाख रुपये टोटल हम लोगों को इसमें कॉस्ट आई। इसके अंदर बहुत एक्सेप्शनल कॉस्ट हैं जो ना गिनी जा सकती ना याद रखी जा सकती। जी, डॉग इंक्लूड नहीं है, विदाउट डॉग ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है आपका। कंस्ट्रक्शन जी, विदाउट डॉग्स जी। तो अराउंड अभी कितने डॉग्स हैं आपके पास? 21 डॉग्स हैं, जिसमें से अभी हमारे पास 4 इंपोर्ट डॉग्स हैं और ब्लैक जर्मन शेफर्ड्स हैं, जिसमें से 3-2 लॉन्ग हेयर, 1 शॉर्ट हेयर। शॉर्ट हेयर अभी आप लोगों को यहाँ नहीं दिखेगी क्योंकि अभी तक वो अभी क्वारंटाइन पीरियड में मेरे घर पर ही है, मोस्ट प्रॉबली आपको जल्दी किसी ना किसी वीडियो में, आपकी नेक्स्ट वीडियो में वो भी ज़रूर दिखेगी। और लॉन्ग कोट मेल मेरे पास 2 पप हैं, 2 डॉग्स हैं, एक मेल और एक फीमेल, जो डायरेक्ट पोलैंड इंपोर्ट है और दोनों लॉन्ग हेयर डॉग्स हैं। और एक वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि वो इंडिया के फर्स्ट ब्लैक जर्मन शेफर्ड लॉन्ग हेयर डॉग्स हैं, और बहुत कमेंट्स आए थे कि ये फर्स्ट नहीं है, ये यहाँ है वहाँ है, कभी भी लोगों ने उस चीज़ को डायरेक्ट ढंग से उसको कभी कैरी किया ही नहीं था। वो फर्स्ट शो लाइन डायरेक्ट इम्पोर्ट डॉग्स थे, ब्लैक जर्मन शेफर्ड लॉन्ग हेयर। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, शो डॉग्स डायरेक्ट इंपोर्ट लॉन्ग हेयर ब्लैक जर्मन शेफर्ड, वो इंडिया के फर्स्ट ही थे। उसके बाद रिसेंटली काफ़ी डॉग्स आ चुके हैं उसके बाद, और एक ये फ्लॉक है जिसको आप लोग सब पहले से ही जानते हैं, ये भी सर्बियन इंपोर्ट है, फोर कंट्री चैम्पियन है, इंडियन चैम्पियन है ये, और ये मेरे भी इम्पोर्ट डॉग्स हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जल्दी आप लोगों को कुछ नया भी देखने को मिलेगा हमारे कैनल में इम्पोर्ट के अंदर। और बाकी इस साल ज़रूर अगर डॉग शोज हुए तो हमारे कुछ अच्छे डॉग्स, जैसे आप लोग सिद्धार्थ भाई को मिले हैं अभी, सिद्धार्थ भाई के साथ कुछ हमारे सारे डॉग्स ज़रूर दिखेंगे डॉग गेम के अंदर, डॉग शोज के अंदर। जैसे आप ये शौक कम बिजनेस कर रहे हैं 15 सालों से, अब 4-5 साल आपको ये सेटअप करने में हुआ है, ठीक है, मतलब तो इसे सेटअप को 4-5 साल हो गए हैं, तो ये मतलब जैसे बहुत ब्रीडर्स हैं
जिन्होंने मतलब इस लाइन का ब्रीडिंग बिजनेस का बहुत नाम ख़राब करा है, ठीक है। क्योंकि मेरी वीडियो पे कुछ लोगों के कमेंट भी आते हैं कि कुत्तवा खा रहे हैं, यही वर्ड रहता है देखो, ठीक है, कुत्तवा खा रहे हैं ये तो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं बुद्धिजीवी टाइप के लोग, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये खड़ा हुआ दिख रहा है इसका, हम सबको सारी दुनिया को वीडियो में खड़ा हुआ दिख रहा होगा जी। जो लोग कुत्तों के खाते हैं ना, उनके कुत्ते उनसे इतना प्यार नहीं करते बेसिकली। मेरे डॉग्स मेरे से प्यार करते हैं, ठीक है, मैं उनका खाता हूँ या नहीं खाता ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है जी। ये अपना ही कर लें तो इनके लिए वही बहुत होता है फर्स्ट ऑफ ऑल जी। और दूसरी बात, प्रोफेशनली करने का मतलब ये नहीं होता दैट यू आर अर्निंग समथिंग फ्रॉम दिस, ठीक है। और मैं इनसे प्यार करता हूँ, मुझे पसंद है ये डॉग्स, ये जो कमाते हैं ये अपने ऊपर ही लगाते हैं जी जी। पिछले एक साल के अंदर बैक टू बैक चार चार पाँच पाँच इम्पोर्ट डॉग्स आना, और उसके साथ आप मेरे हर डॉग की कंडीशन देख सकते हो, मेरे डॉग्स का स्टेटस देखिए, मेरे डॉग्स की जगह देखिए, वो कितने प्यार से रहते हैं, उनका रहन सहन। अगर आपको लगता है कि हाँ, अगर अभी भी हम उनसे कुछ कमा के खा रहे हैं जी, तो ठीक है, अब आपको लग रहा है तो आई कैंट से एनीथिंग फॉर दिस जी जी। तो रही बात खाने और पीने की, तो आप क्या खिला रहे हैं इन्हें डॉग्स को अपने, क्या चलता है आपका? मेरे यहाँ बेसिकली फ्रेश फूड चलता है, फ्रेश फूड बहुत ज़्यादा। डॉग फूड को मतलब जो पैक डॉग फूड होता है उसे आप नहीं खिलाते? करता हूँ, इसमें नहीं है कि मैं पैक फूड डॉग फूड यूज़ नहीं करता। कुछ डॉग होते हैं, अगर आप अभी भी देखें फ्लॉक को जी जी, तो कुछ डॉग हैं जो मेरे पैक फूड खाते हैं, वेल्पिंग फीमेल्स हो जाती हैं, जो मेटेड फीमेल हो जाती हैं, या उसके बाद जब वो बच्चे देने वाली होती हैं उस स्टेज में कुछ डॉग्स होते हैं डॉग फूड पे आ जाते हैं, जो पपी रेडी होने होते हैं वो आ जाते हैं। ज़्यादातर मेरे कैनल पे फ्रेश फूड चलता है जी। फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों को इंक्लूड किया जाता है जी। ये नहीं है कि हम खाली अपना ये डॉग फूड पे डिपेंड है, नहीं तो हम इनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे अगर खाली हम डॉग फूड पे डिपेंड। जितनी इनके चाहिए, जो इनकी भाई निसस्ती है, वो इन चीज़ों से पूरी नहीं होगी। आपको फूड और वेजिटेबल्स भी इंक्लूडिंग, इवन जो हमारे ग्रेन भी है ना, ग्रेन भी हम सिलेक्टेड ग्रेन इनके लिए यूज़ किए करते हैं जी। तो जैसे आपका कैनल है, अंदर हम देख रहे हैं इसमें एसी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, इतना बड़ा एग्जॉस्ट है, तो बंद है केज में, आप कितना टाइम इन्हें दिन में मतलब इन्हें एक्सरसाइज के लिए कितनी देर खोलते हैं इन्हें? सुबह एक घंटा, शाम को एक घंटा, जब तक मेरा डॉग पूरा थक के बैठता नहीं है, जब तक हाफता नहीं है। डॉग हाफने से और थक के बैठने में बहुत फर्क होता है बेसिकली जी। जब तक वो थक के बैठता नहीं है तब तक मेरा डॉग केज के अंदर वापस नहीं जाता जी। उसके बाद अपना पूरा टाइम, और आप मेरे केजेस भी देख सकते हो, मेरे केज हैं, खुरलियाँ नहीं है कि डॉग गया और फंस के बैठ के अंदर जी जी। खूब स्पेस है, इनफ स्पेस है, 9x6 का मेरा केज है, इनफ स्पेस है अपने लिए भी अंदर रहने के लिए। आप एक व्यूअर्स को ये जरूर बात करना, जो डॉग लवर होगा वही डॉग बिजनेस कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। बिना डॉग लवर, जो डॉग को प्यार नहीं करेगा वो कभी ये बिजनेस नहीं कर पाएगा। और कभी आप ये सोचो कि भाई बिना प्यार के आप इस बिजनेस से कुछ कमा पाओगे, तो आप ये बिजनेस ना ही करें, वो तो बहुत अच्छा होगा। जैसे बहुत लोगों की डिमांड भी आती है, आपके पास कॉल भी आते होंगे, आपकी इतनी वीडियो डली हैं पपीज की, उन्हें ऐसी क्वालिटी में पपीज चाहिए, तो अभी फिलहाल में पपीज हैं आपके पास? पपीज हम लोगों के पास हर टाइम रेडी रहते हैं जी। हमारे पास हर टाइम अपने, मेरे पास आप देखेंगे तो मेरे पास 5 से 6 स्टड डॉग्स हैं, बाकी मेरे पास फीमेल है, नहीं भी होते कई बार। लेकिन व्यूअर्स को ही एक बात कहना चाहूँगा, अच्छा तो उनको चाहिए ऐसा जी जी, पैसे उन्होंने खर्च लिए 15,000-20,000 जी, और वो हम लोगों को कंपेयर करते हैं उन डॉग ट्रेडर्स के साथ जी जी, और उन पेट शॉप ओनर्स के साथ कि यार वो तो हमें 15,000 रुपये का दे रहा है, आपने 35,000 रुपये मांग लिए जी जी जी। दे इवन डोंट नो अबाउट देयर पेरेंट्स, द ब्रीडिंग स्टैंडर्ड्स, द डॉग स्टैंडर्ड्स। सुअर के बच्चों वाला काम है सर बेसिकली, सुअर के बच्चे भी बचपन में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक्चुअल क्या है, वो 6 महीने में अपना रिजल्ट दिखाते हैं, वही ये सब डॉग्स के साथ है जी। बच्चा है, छोटा बच्चा, और उसके बाद मैंने कुछ लोगों को इतनी परेशानियाँ देखी हैं, ना वो रखने लायक रहते हैं ना निकालने लायक रहते हैं। अच्छा डॉग लो, अच्छे अगर आप लोग ले रहे हो, एक फैमिली मेंबर ले रहे हो, बुरे ने भी उतना खाना है, अच्छे ने भी उतना खाना। आप लोग नेगोशिएट करते हो 5-10 हज़ार रुपये को लेकर, लेकिन वो 10 हज़ार रुपये 6 महीने में आगे सामने खड़े हो जाते हैं। आपको अराउंड 15 ईयर्स हो गए हैं हाँ जी, इस बिजनेस कह सकते हैं हम, शौक कह सकते हैं, प्राइमरी तो आप शौक को ही फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे हमारी एक फीमेल है, एक मान लो जर्मन शेपर्ड की फीमेल, उसका 12 ईयर्स का लाइफ स्पैन है, उसमें वो अराउंड अकॉर्डिंग टू KCI वो 6 बार हम उससे बच्चे ले सकते हैं मैक्स टू मैक्स। तो उसके बाद उस फीमेल का क्या होता है जब वो बुढ़ापे में चले जाती है, उस फीमेल का क्या करते हैं आप लोग? अच्छे ब्रीडर्स हैं जो लोग उसको रिटायर करके अपने पास रखते हैं,
हर किसी की लाइफ में ज़रूर एक या दो डॉग्स ही ऐसे आते हैं हमेशा, हर किसी को हर डॉग ऐसा नहीं मिलता जो उसको उस कैनल को बना देता है, उस कैनल का नाम बना देता है। बेसिकली लोग उसके बाद क्या करते हैं कि एक डॉग लिया, उससे अच्छे पैसे कमाए, अच्छा नाम कमाए, एट द टाइम जब उसकी रिटायरमेंट का टाइम आता है तो वो किसी होम में, पेट होम में चला जाता है, एंड दे डोंट इवन केयर कि उसको वहाँ पे उसके लिए वो केयर हो रही है या नहीं हो रही जी। और नहीं, ये गलत है बहुत कि अगर आप लोग किसी को रिटायर करने के बजाय उसको सेल कर देते हो अपना अडल्ट डॉग। मेरे कैनल पे कभी भी एक अडल्ट डॉग, कभी भी कोई अडल्ट डॉग सेल के लिए नहीं है जी। तो आप अडॉप्शन के लिए देते हैं? अगर देते हैं नहीं, मैं अडॉप्शन के लिए भी नहीं देता जी। मेरे बच्चे जो आप कभी मेरे घर पे नेक्स्ट टाइम आए तो आपको मेरे नेक्स्ट टाइम घर पे दिखेगा, हम लोगों की एक जॉइंट फैमिली है, हम लोग सात भाई एक साथ मेरे घर पे रह लेते हैं जो मेरे होते हैं। अच्छा, नहीं तो मेरे पास यहाँ पे भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो रिटायर्ड डॉग्स हैं उनको इवन स्पेशल अटेंशन दी जाती है, अलग से कैनल बॉय है जो उनके लिए स्पेशल। आप जैसे आपने पहले बात की थी ये डोगो कुत्तों का खाते हैं जी जी, अब जो अगर कुत्तों का खाते हैं, अगर उन्होंने हमारा नाम बनाया तो हम इनको ऐसे कैसे छोड़ देंगे? बिल्कुल, उनके लिए तो अलग से हमें बल्कि स्पेशली उनको देखना पड़ेगा ज़्यादा जी, क्योंकि हम उनको ऐसे नहीं छोड़ सकते जी। मैं कुछ आपको अपने ब्रीडिंग स्टैंडर्ड्स अभी दिखाऊंगा। लैब का एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों के अंदर, 5,000-7,000-10,000, मेरे पास जेन्युइन बायर्स भी बहुत हैं जिन्होंने वैसे 35,000-50,000 के भी लैब खरीदे हैं। 25,000 पे मेरा स्टैंडर्ड प्राइस है, 25,000 फॉर लैब्राडोर। वो फीमेल की मुझे घर में कॉस्टिंग 2,00,000 रुपये है और उसके मीटिंग चार्जेस भी मैंने नियर अबाउट डिस्क्लोज द मीटिंग चार्जेस एग्जैक्टली, और वो इस टाइम वर्ल्ड चैंपियन के डायरेक्ट सन अकेला इंडिया के अंदर उससे मीटेड है। कोकू नाम है उस डॉग का, पटियाला में वो डॉग है, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं नितिन, उनके पास वो डॉग है, उससे वो मीटेड है और प्रेगनेंसी कन्फर्म कर रही है। तो अब कोई मुझे आगे कहे कि आप कुत्तों का खाते हैं, बार बार एक क्वेश्चन सामने आ जाएगा कि किसी से मैंने 35,000 या 50,000 रुपये उसके बच्चे के मांग लिए, वो कहेगा आप पैसे कमा रहे हो इनसे। कभी भी कॉपी पेन लेके ना, कुछ ऐसी पिक्चर्स भी फेसबुक पे और गूगल पे अपलोड ना, दैट इट्स नॉट बीन ईजी टू बी ए ब्रीडर एक्चुअली। आपको अपने घर के बच्चे घर वाले छोड़ के इनके पास आके बैठना पड़ता है। कॉपी पेन लेके ना कभी उसकी एक कैलकुलेटिव कॉस्ट निकाल के देख लेना और मेरे कैनल पे उसका प्राइस कर लेना। ठीक है, मुझे भी धीरे धीरे मजबूर कर दो कि मैं अपने पुराने सीनियर ब्रीडर्स की तरह ट्रेडर बनना शुरू कर दूँ, 10,000 का उठाऊँ, 15 का दे दूँ, 20 का दे दूँ, इनफ है, ठीक है, बात बन जाएगी तो आप लोगों को अच्छा लगने लग जाएगा, लेकिन मेरे यहाँ वो काम होता ही नहीं है किसी। एक्चुअली भैया ये जो बात बोली गई है कुत्ता खाते हैं, ये वो लोग बोलते हैं जिन्होंने आज तक कुत्ता नहीं पाला। जब वो एक कुत्ता पाल लेंगे, उसकी एक बार पोटी उठा लेंगे पैन से, तब उन्हें पता लग जाएगा कौन किसका क्या खा रहा है। आप जैसे आप देख कौन होते हैं सर किसी को खिलाने वाले जी जी, बच्चे हैं, बच्चों की तरह यहाँ रह रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा ये डॉग देखो या ये डॉग देखो, आपको भी ऑफर है और आपके चैनल पे देखने वाला हर आदमी कभी भी मेरे कैनल पे, मेरा कैनल 24/7 वर्किंग है, कभी भी आए और इंस्टेंटली आके किसी डॉग को पकड़ ले। मैं 100 के 100 में से तो कसम उठाता नहीं, जानवर है, बच्चे हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन मेरे 99.9% डॉग आपको हर टाइम कंडीशन में मिलेगा। आज का टेम्परेचर चेक कर लीजिए, मेरी एक लास्ट वीडियो आई थी जुलाई के अंदर, उस टाइम का टेम्परेचर आप चेक कर लीजिए, उस टाइम के डॉग्स की कंडीशन चेक कर लीजिए, आज भी चेक कर लीजिए। ये अगर इनको मेंटेनेंस, इनकी मेंटेनेंस ना करी जाए, इनसे कमाया ही कमाया जाए, इनको वापस ना दिया जाए जी जी, मैं ऐसे ऐसे कैनल दिखा दूंगा जहाँ पर लोग डॉग्स की हड्डियाँ भी हैं। घरों में लोग अपने घरों में एक डॉग को पूरे टाइम से खाना नहीं खिला पाते, सिंगल डॉग को नहीं खिला पाते, वो हमारे 25-30 डॉग ऑनर्स की क्या रीस करेंगे जी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में कुणाल भाई और सुरांश भाई, मिस्टर पॉज कैनल के ओनर, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देके जाएगी और शायद आपको आपका नया पेट ढूंढने में भी हेल्प करेगी। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।